नमस्कार, ममता के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पॉपकॉर्न। चिकन पॉपकॉर्न जो है वो बोनलेस चिकन से बनते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो आइए देखें हमें इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए। सबसे पहले हमने 200 ग्राम के करीब चिकन लिया है। ये हमने चिकन ब्रेस्ट ली है और इसको अच्छी तरह से हमने धोकर साफ़ करके इसको एक टॉवल में रख दिया था ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो निकल जाए। इसी के साथ हमें चाहिए मैदा एक कटोरी, 2 से 3 चम्मच हमें कॉर्नफ्लोर चाहिए, नमक चाहिए, कुटी हुई काली मिर्च चाहिए, लाल मिर्च चाहिए, अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए हमें, चिली फ्लेक्स लेंगे हम, मिक्स हर्ब डालेंगे थोड़ा सा इसका टेस्ट चेंज करने के लिए, एक सिरका चाहिए। इसी के साथ हमें ड्राई गार्लिक पाउडर चाहिए, कॉर्नफ्लेक्स चाहिए हमें एक बाउल और साथ में एक अंडा चाहिए। कॉर्नफ्लेक्स हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर हम ब्रेड क्रम्ब डालते हैं तो थोड़ी देर बाद चिकन पॉपकॉर्न जो है वो गिलगिले से लगने लग जाते हैं, तो कॉर्नफ्लोर से ये गिलगिले नहीं होते हैं। तो आइए अब हम इसकी तैयारी करते हैं, इसको हम किस तरह से बनाएंगे। चिकन आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई हुआ हुआ है, अगर आप इसको कपड़े में रखेंगे तो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। इसी के साथ अब हम इसमें 1.5 से 2 चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे, नमक हम स्वाद के अनुसार डालेंगे क्योंकि हम जो मैदा बनाएंगे उसके अंदर भी हम नमक डालेंगे, इसलिए नमक हम अपने हिसाब से डालेंगे। थोड़ी सी हम लाल मिर्च डालेंगे, कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे इसके अंदर। इसी के साथ हम ये चिली फ्लेक्स डालेंगे थोड़ा सा, ये बाजार में आसानी से मिल जाता है। मिक्स हर्ब्स डालेंगे, ये भी बाजार में आसानी से मिल जाता है। और साथ में हम इसके डालेंगे सिरका, 1 से 1.5 चम्मच के करीब हम सिरका डालेंगे इसमें। आप चाहें तो इसमें नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिला देंगे। इसको हमने अच्छी तरह से कर दिया, कोटिंग कर दी है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट रेस्ट करने के लिए रखेंगे, तब तक हम अपना दूसरा सामान हम तैयार कर लेंगे। कॉर्नफ्लेक्स को हमने जार में डाल लिया, अब हम इसको पीस लेंगे। इसको हमने हल्का दरदरा ही रखना है। ये देखिए हमने इसको हल्का दरदरा रखा है। अब हम एक प्लेट ले लेंगे, उसमें हम एक कटोरी मैदा डाल देंगे, 2 से 3 चम्मच के करीब हम इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। इसी के साथ हम इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे हम इसके अंदर और नमक डाल देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे चम्मच की मदद से। हाथ से मिलाएंगे तो मैदा है, मैदा हल्का होता है और वो उड़ना शुरू कर देता है, इसलिए आप इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिला लें। अब हम इस बाउल में एक अंडा तोड़ लेंगे। अंडे के अंदर भी हम काली मिर्च डालेंगे, इसीलिए हमने चिकन में नमक कम डाला था कि हमें हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा नमक डालना है। और थोड़ी सी हम इसमें लाल मिर्च डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हम मैश कर लेंगे। सबसे पहले हम मैदे और कॉर्नफ्लोर के अंदर चिकन के पीस डाल देंगे। और इसको हम 2 चम्मच की मदद से अच्छी तरह से कोटिंग कर लेंगे। इसको बहुत अच्छी तरह से सारे पीस पे अच्छी तरह से आपने लगाना है। ये देखिए इसमें कोटिंग हो गई है अच्छी तरह से, सब पीसों को अच्छी तरह से लग गया है। अब हम इसकी जगह पे एक प्लेट लेंगे और साथ में ऐसी छन्नी का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा जो एक्स्ट्रा इस पे मैदा लगा हुआ है वो हम इसको झाड़ देंगे। ये देखिए इसमें कोटिंग हो गई है। अब हम इसको जो अंडा फेंटा था हम उसके अंदर डाल देंगे, इसको भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब
हम इसको इसी छन्नी में दोबारा से डाल देंगे ताकि जो अंडा एक्स्ट्रा है वो निकल जाए, नहीं तो ये फ्राई करते वक्त फैलता रहेगा। ये देखिए ये हमने अंडे को निकाल लिया, एक्स्ट्रा अंडा जो था, अब हम जो हमारा मैदा था जो हमने छान के निकाला था उसी में हम दोबारा से चिकन के पीसेस को डाल देंगे और इसकी कोटिंग कर लेंगे दोबारा। दोबारा कोटिंग करने से चिकन जो है बहुत क्रिस्पी बनता है। करना आप इसको चम्मच की मदद से ही, चम्मच की मदद से ही बहुत अच्छा हो जाता है। ये हमारा अंडा है जो हमने चिकन के पीसेस से अलग किया था, मैदा हमने लगा लिया है इस पीसेस को दोबारा। अब हम चिकन को इसके अंदर डिप कर लेंगे अच्छी तरह, और कॉर्नफ्लेक्स है जिसको हमने अच्छी तरह से पीसा हुआ है, अब हम इसके ऊपर पूरी तरह से इसकी कोटिंग कर लेंगे। ब्रेड क्रम आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, मगर उसके साथ बहुत जल्दी पीस गिलगिले से हो जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये गर्म हुआ है कि तेल नहीं हुआ। इसको आपने मीडियम हीट पर पकाना है। ये देखिए हमने कॉर्नफ्लेक्स का इस्तेमाल किया, इससे देखिए तेल बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ है। अभी हम इसको 2 से 3 मिनट और पकाएंगे, क्रिस्पी कर लेंगे। खाने में बहुत टेस्टी होते हैं ये, आप इसको अपने घर जरूर ट्राई करिए। चिकन हमारा बनके तैयार हो गया, अब हम इसका टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे ताकि जो अपने इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो इससे निकल जाएगा। उम्मीद करती हूँ मेरे चिकन पॉपकॉर्न आपको पसंद आए होंगे बने हुए। आपके घर में कोई पार्टी हो तो आप उसको इसमें स्नैक्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसके पीसेस कुछ बड़े लिए हैं, आप चाहो तो इसको छोटा पीसेस में भी ले सकते हैं। अगर आपको मेरे बनाए हुए चिकन पॉपकॉर्न अच्छे लगे हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स देना ना भूलिए। नमस्कार।